हेलो फ्रेंड्स, ये कुछ सामान मंगवाया था जो कि ऐसे ही मैंने डाल दिया और अब मैं इसे थोड़ी देर में अरेंज कर लूँगी। और अब मिल रही हूँ मैं आपसे सुबह। और ये बाल्टी भर पानी आप देख रहे हैं, ये रात भर में इतना पानी एसी से निकल जाता है क्योंकि उमस बहुत हो रही है, नमी बहुत ज़्यादा है, इस वजह से एसी से पानी निकलता है। और ये देखिए पानी गर्म हो रहा है पीने के लिए। सुबह मैं 2 ग्लास पानी पीती हूँ, 2 से 3 ग्लास पानी, कुनकुना पानी पीती हूँ जो पेट के लिए, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। और इससे आपका डाइजेशन और पेट की सारी जो समस्याएं रहती हैं वो दूर हो जाती हैं। और अब मैं चौके में पहुंच गई हूँ, मुझे चढ़ानी है चाय। चाय मैंने चढ़ा दी है और साथ ही साथ दूध से मलाई निकालने का काम भी मैं कर रही हूँ। और दूध से मलाई निकालने के बाद मैं ब्रश वगैरह करूँगी, उसके बाद चाय बन जाएगी तो चाय पीऊँगी। मैं पहले चाय चढ़ा देती हूँ और उसके बाद मैं ये सारे काम करती हूँ ताकि समय की बचत हो। सुबह का समय बहुत ज़्यादा हैक्टिक होता है जिससे कि समय की बचत हो, इस वजह से मैं पहले ये सब काम कर लेती हूँ। चाय जब तक बनती है तब तक मैं ब्रश वगैरह करके आ जाती हूँ। और अब मैं आपसे मिल रही हूँ, राम राम जी। और ये लौंग वगैरह कुछ फैल गई थी तो वो उसको मैंने अच्छे से रख दिया है और अब चाय छानूंगी। फ्रेंड्स, चाय छन रही है और चाय पी के फिर और चाय वगैरह सब पी चुकी हूँ मैं। नींबू ख़त्म हो गया है, इस वजह से आजकल दूध की चाय पीती हूँ और वो भी इलायची डाल करके, क्योंकि अदरक की चाय मुझे नुकसान करती है। और पूजा के बर्तन सब धुल चुके हैं और अब मैं स्नान करके आ गई हूँ। फ्रेंड्स, बिंदी मेरी कहाँ की कहाँ पहुँच गई थी। और स्नान करने के बाद वाली चाय फिलिंग कर ली है तेल की, तेल ख़त्म हो चुका था क्योंकि अब अचार में भी मुझे तेल डालना है। और इसके बाद मैं करूँगी बाकी के, और अब ब्रेकफास्ट की तैयारी भी मुझे साथ ही साथ करनी है। कढ़ाई चढ़ा दी है, बनाना है मुझे पोहा, और अब पोहे की तैयारी भी मेरी लगभग लगभग हो चुकी है और ये पोहा भी रेडी हो चुका है। फ्रेंड्स, अब लगाऊंगी मैं इसका भोग। ठाकुर जी का स्नान वगैरह सब कुछ मैंने पहले ही करा दिया था और अब भोग लग रहा है फ्रेंड्स इनका। और भोग के बाद मैं रेडी होंगी और मुझे स्कूल भी, पूजा भोग से मैं फ्री हो चुकी हूँ और अब मैं रेडी हो रही हूँ स्कूल के लिए। पहन ली है आज ब्लू कलर की लहरिया साड़ी और अब ये टाइम है स्कूल का। इस समय बहुत ज़्यादा रिलीफ मैं फील करती हूँ क्योंकि आधे से ज़्यादा मेरे काम हो जाते हैं और ये लगता है कि अब मैं बहुत ज़्यादा टेंशन फ्री हो गई हूँ स्कूल जाने के बाद। उसके बाद आकर के फिर और ज़्यादा भाग दौड़ हो जाती है, लेकिन इतनी थोड़ी देर के लिए भी रिलैक्स फील करती हूँ। इतनी ज़्यादा उमस है कि पसीना ठहरने का नाम ही नहीं ले रहा, फिर भी पानी टप टप चू रहा है पूरे माथे से। और अब ये रेडी हो रही हूँ मैं, मिलूँगी आपसे। तैयार हो चुकी हूँ फ्रेंड्स और टिफ़िन भी पैक कर लिया है, उसके बाद अब मिलूँगी आपसे स्कूल में। Thank you.
स्कूल पहुंचकर मैंने पीरियड्स अपने ले लिए हैं और रोज़मर्रा की तरह सब रजिस्टर्स वगैरह चेक कर लिए हैं और अब लंच हो रहा है। लंच के समय स्टूडेंट्स के साथ मुझे लंच करना अच्छा लगता है। आज पोहा बनाया था फ्रेंड्स। आज हम सीख रहे हैं यूज ऑफ इज आर अफर्मेटिव सेंटेंसेस। आज हम सीखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंसेस। मैं लड़की हूँ, लड़की यहाँ पर क्या है, संज्ञा, और ये हूँ से पहले है। तुम अच्छे हो से पहले क्या है, विशेषण। ये विशेषण है क्या, क्योंकि ये विशेषता बता रहा है। इसी तरीके से हम इसके सेंटेंसेस बनाएंगे। मैं छात्र हूँ, आई एम अ स्टूडेंट। हम बच्चे हैं, वी आर चिल्ड्रेन। यह कुत्ता है, इट इज अ। और आज स्टूडेंट्स को अफर्मेटिव सेंटेंसेस के बारे में मैंने पढ़ाया। इतने में ही झमाझम बारिश होने लगी और मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। ये देखिए बादल छाए हुए हैं, लेकिन बारिश भी काफ़ी अच्छी हो रही है और इस सीज़न की ये पहली बारिश। गरम गरम दाल चावल खाना है, दाल चावल। और फिर घर पहुंचकर मैंने दाल चावल बना लिए हैं बेटा, लेकिन आज सब्जी नहीं है, तो सब्जी तो जब आएगी तो मिलेगी। गरम गरम दाल चावल ही हैं आज। आज बारिश हो रही तो बहुत ज़्यादा मक्खियाँ आ रही हैं, इसलिए अरहर की। अभी गरम है, शक्कर डाल दो, नहीं तो पापा खाएंगे नहीं, उनको तो शक्कर चाहिए होती है। ये पता नहीं क्या है, इसको अलग कर देते हैं। आम, आम का सीज़न, आम चल रहे हैं। और ये थोड़ा सा नमक, घी, गरम गरम दाल है और गरम गरम चावल। आज कुकर में एक साथ बनाए थे मैंने दाल चावल। और ये अचार, बिल्कुल ताज़ा अचार है। और सबके साथ बैठकर खाना खाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये टीवी वाला रूम है, यहाँ टीवी है, तो टीवी देखते हुए हम लोग खाना एंजॉय करते हैं। और आज फ्रेंड्स इस तरीके से दोपहर का खाना हमने खाया और बहुत ही टेस्टी खाना, दाल चावल गरम गरम, बरसात में अगर मिल जाए तो क्या कहने हैं। अब इसके बाद मैं मिलूँगी आपसे शाम की चाय। और अब मैं मिल रही हूँ आपसे शाम की चाय के साथ और टीवी देखते हुए। और ये मूंगफली, मूंगफली का एंजॉय करूँगी चाय के साथ। थोड़ी सी खाना इतनी जल्दी पच जाता है, भूख लग जाती है, तो चाय पीऊँगी और साथ में मूंगफली भी खाऊँगी। अदरक वाली चाय बनाई है। और चाय वाय पीने के बाद आज मुझे जाना था एक बुलौआ में, बहू देखने का बुलौआ आया था, तो वहीं हम सभी फ्रेंड्स गए थे फ्रेंड्स बहू देखने के लिए। और ये बहू देखते हुए बहुत सारी महिलाएं थी वहां पर और हम लोगों ने गाना बजाना किया। और जहाँ हम लोग गए थे फ्रेंड्स बुलौआ करने, बहू देखने, वहाँ पर कुछ स्वल्पाहार का भी आयोजन था, तो हम लोगों ने फिर स्वल्पाहार किया। मीठी में रसमलाई थी और चाट वगैरह का पूरा आइटम था, तो हम लोगों ने वही सब एंजॉय किया। और आज मैंने ये वेयर करी थी ब्लू कलर की साड़ी और ब्लू टॉप्सी पहने थे। और इस तरीके से कुछ गुजरा आज का दिन। अब मिलूंगी आपसे
अगले दिन, तब तक के लिए राम राम।